हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल एडुकेशन एंड डाइस्टर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू बेस है। तो इसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन इन बीच फेज ऑफ डाइस्टर डैमेज, वार्निंग फेज, इंपैक्ट फेज, रिसर्च फेज, रिहैबिलिटेशन फेज, तो इसका जो आंसर है डी आंसर है। तो जितने भी ये लगभग खास करके डाइस्टर मैनेजमेंट के जितने भी है एम सी क्यू बेस क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंटल बेस्ड कुछ क्वेश्चन इनपुट कर दिए थे अपने पिछले वीडियो में, तो इस नए वीडियो में हमने ज़्यादातर कवर किया है डाइस्टर मैनेजमेंट। इन द रिसोल्यूशन ऑफ बीच ऑफ फेज ऑफ मोर सीरियस फ्रॉम रेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है सेकंड अलर्ट। थर्ड ऑप्शन इज, थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है ये फिजिकल सिचुएशन लाइकलीहुड ऑफ अनडिजायरेबल इवेंट विद इन द पर्टिकुलर पीरियड और अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इज नोन है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो रिस्क होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कंट्रीब्यूट काज द पाइपलाइन डाइस्टर इन द वर्ल्ड, तो इसमें हमारा थर्ड पार्टी एक्टिविटी जो होगी वो राइट आंसर है। तो इस तरह से आपको डाइस्टर मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। रूट काज एनालिसिस ऑफ डाइस्टर कैन बी डन थ्राउंड विच फॉलोइंग मैथड, तो इसमें क्या होगा? हाई, इस तरह से आपके क्वेश्चन डाइस्टर मैनेजमेंट के आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लो आउट इच ये नेचुरल डाइस्टर, तो नेचुरल डाइस्टर या ब्लो आउट, तो इसमें ऑप्शन होगा नो। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल विल टेक इन टू द अकाउंट द प्रिकॉशन टू टेकन बींग ऑन सेफर साइड एंड अवॉइड टू टेकिंग अंडर रिस्क फ्रॉम हजार द डैमेज पोटेंशियल ऑफ बिच मिट येट फुल्ली नोन इज, तो इसमें गोनेडिन प्रिंसिपल, रिस्की प्रिंसिपल, हजार्ड प्रिंसिपल, प्रेसेंस, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। द एग्रीमेंट और अंडरस्टैंड दैट रीच अमंग द वेरियस मेनली इंडस्ट्री हेल्प इन द ईच अदर ड्यूरिंग इमरजेंसी इज कॉल्ड मेमोरेंडम और ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑफ मोर डेस्टिनेशन मस्ट एड एग्रीमेंट, तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। हाउ मैनी सेफ्टी इंटीग्रेट लेवल एग्जिस्ट, तो इसमें डी ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। तो ये सारे के सारे एम सी क्यू बेस डाइस्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग से लेवल रिप्रेजेंट कैस्ट्रोट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑफ डाइस्टर, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी। व्हाट वुड बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटेक्शन पर वेसल अगेंस्ट ओवर प्रिक्यूशन सिचुएशन, तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑयल गैस डीलिंग विज ये एरिया विद इन 4.5 mm ऑफ द सेल सेकर इज ओपन ऐसे कंसीडर्स एज, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा जोन फर्स्ट। द एरिया विद इन 3 meters फ्रॉम द डिस्चार्ज नोजल ऑफ द ब्लीप वैल्यू कंसीडर, तो इसमें जो बी ऑप्शन जोन टू रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाउंड ऑन द मटेरियल सेफ्टी डाटा स्पिल्ड प्रोड्यूसर प्रोड्यूस स्पेशल प्रोडक्शन, तो ऑल ऑफ एबव, इसमें जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हम देखेंगे सेक्शन 2 MSD विल हैव इंफॉर्मेड अबाउट हजार्ड, तो इसमें पहला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी इन्वॉल्विंग केमिकल और प्रोडक्ट एनर्जी टेलीफोन नंबर कैन बी फाउंड इन द सिचुएशन ऑफ MSD, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। द येलो पोर्शन ऑफ NFPA डायमंड रिप्रेजेंट, तो इसमें बी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। द इल हेल्थ इफेक्ट काज वन टाइम सडन हाई एक्सपोजर इज ऑफ्टन कलेक्टेड, तो इसमें जो बी ऑप्शन रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। मॉनिटरिंग द लेवल ऑफ ऑफ्टन एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंस मे बी डन थ्रू आउट द एनालिसिस बॉडी फ्लूइड एग्जांपल ब्लड यूरिन एक्सपायर्ड एट द प्रोसेस इज नोन एज, तो डी ऑप्शन जो रहेगा बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग। अगला जो है द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल टू द RDLH वैल्यू ऑफ द केमिकल इज कॉल्ड, तो इसमें जो बी ऑप्शन रहेगा टॉक्सिक लोड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबल टॉक्सिक असाइनमेंट एक्सरसाइज कंसिडरिंग द पॉसिबल रूट ऑफ एंट्री केमिकल इन टू बॉडी एंड इट्स रिएक्शन थेरेपी, तो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अबाउट 2 PM ऑफ क्लोरिन कंसनट्रेशन इन ईयर कॉज इरेशन ऑफ आई एंड नोज, इफ केस इज हजार्ड देन इन द कॉन्सिक्वेंस देन द इलेक्ट्रिसिटी इज हजार्ड व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, तो डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। व्हाट इज द पर्पोज ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन इज द डायस्टर प्रिपरेशन, तो इसके में बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा।
पेरेटो एनालिसिस से ईजीए, तो इसमें डी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट रहेगा। एच एच एड आई डी इज डन कैरी आउट सेफ्टी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन और इन्वायरमेंटल इश्यू, तो ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्लास डी कोरिस्पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, तो इसमें डी ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। एन एसेंशियल रिस्क ऑफ टू टाइम्स एन टेन टू, तो इसके सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। व्हेन अन एक्सेप्टेबल रिस्क ब्राउट अंडर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया थ्रू आउट द एडिशन रिस्क रेडिक्शन रिस्क आइडेंटिफाई, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। इन ये रिस्क एनालिसिस बाउंड्री मॉडल हाउ टू, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अंडर डैमेज क्राइटेरिया ड्यू टू प्रेयर 0.3 बार ओवर प्रेशर रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। द कैस्ट्रोट्रॉफिक फेलियर ऑफ द गैसेज वेसल ड्यू टू इंटेंस हीटिंग फ्रॉम द टॉर फ्रॉम द सीवियर मैकेनिकल इम्पैक्ट, तो सी ऑप्शन जो होगा वो राइट रहेगा। इन रिस्क असाइनमेंट 20/80 प्रिंसिपल मीन, तो आंसर जो बी होगा वो सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लिक्विड फ्लेमेबल रिलीज, तो बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। इन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस प्रोटेक्शन इमरजेंसी, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैजार्ड क्वांटिफिकेशन मेथड, तो इसमें बी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट रहेगा। काज कॉन्टिन्यूस एलनेस एनालिसिस इज ए कॉम्बिनेशन, तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो राइट होगा। द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई फॉर द डायस्टर रिस्पॉन्स अंडर डायस्टर मैनेजमेंट प्लांट प्लान इज नोन एज, तो सी ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस विंग वीफिंग ड्यूरिंग ए डायस्टर इवन नॉर्मली रेस्ट ऑन द बी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्मली इट इज टू डिक्लेयर आंसर इमरजेंसी इन द हिस्ट्री, तो आंसर बी होगा वो राइट होगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्टरीज एक्ट 94 अमेंडेड एक्यूपाई फैक्टर आज फार्मेटेड ऑनसेट इमरजेंसी प्लान, तो इसमें जो पहला ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड हैज ए कैपेबिलिटी फॉर रिस्पॉन्ड टू विच टाइप द ऑयल ऑफ द स्प्लिटिंग, तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज फॉर ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो राइट होगा। हजार्डस केमिकल कैन बी आइडेंटिफाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सी वाला ऑप्शन जो होगा राइट होगा। अंडर वेरियस जोन विद इन द इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कैन बी सिट्यूटेड, तो बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। थेरेपी स्टडी इज रिलेटेड टू, तो सी ऑप्शन उस राइट रहेगा। विच इज नॉट टेक्नोलॉजी फैक्टर यूज द वल्नरेबिलिटी असाइनमेंट, तो इसमें हमारा प्रोसेस सेफ्टी, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एरर इन द डायस्टर मैनेजमेंट मॉडल, तो डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।